नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है तुला राशि के लिए जनवरी 2015 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शुक्र ग्रह के बारे में, जो चल रहे राशि से चतुर्थ स्थान में। चतुर्थ स्थान में शुक्र का जो भ्रमण है वो शुभ माना गया है। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना है आपको तो इस समय के दरमियान करना उचित रहेगा। शुक्र चलेंगे 22 जनवरी 2015 के बाद राशि से पंचम स्थान में, जो आपको प्रणय संबंधों में सक्सेस देने वाले हैं। और मंगल चल रहा है राशि से पंचम स्थान में, जिसके कारण जो भी जातक शेयर बाजार सट्टा लॉटरी रिगार्डिंग कार्य कर रहे हैं उनके लिए शुभ नहीं है। बात करेंगे सूर्य ग्रह के भ्रमण के बारे में, तो सूर्य चल रहे हैं राशि से तीसरे स्थान में 14 जनवरी 2015 तक जो सूर्य का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत शुभ है। लेकिन 14 जनवरी 2015 के बाद जब सूर्य का भ्रमण होगा राशि से चतुर्थ स्थान में, तो 14 जनवरी 2015 के बाद आपको प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई कार्य करना उचित नहीं रहेगा। राहु चलेंगे राशि से 12वें स्थान में, जो आपके एक्सपेंसेस बढ़ाने वाले हैं। और ख़ास करके आपको डेट्स केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं 11, 12, 13, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे कन्या राशि में। कन्या के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र हैं। 12वें चंद्र में आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। और डेट्स आपको केयर करना है 1, 2 और 3, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे वृषभ राशि में। वृषभ के चंद्र जो हैं वो भी राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं। अष्टम चंद्र में भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। यदि आपके कोई मित्र हैं तुला राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करिए, कमेंट्स करिए चैनल पर, कमेंट्स करिए वीडियो पर। जो भी जातक का जन्मदिन इस मंथ के अंदर आता है उनको हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।